अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आप हेल्प करिए ना। मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। कल पंजाब से, परसों पंजाब से 20 लोग इंडिगो फ्लाइट से आ रहे, टिकट का पैसा किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है, मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ। आज 25 तारीख को बैंगलोर से 9 लोग आ रहे, कल 2 विमेन आर कमिंग फ्रॉम गुवाहाटी। मैं हेल्प कर रहा हूँ ना अपने तरफ से, कितने लोगों को हेल्प किया है। तो ये टाइम सेवा का है। पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार होगा, इलेक्शन के टाइम आप इलेक्शन करो, नेतागिरी करो, भाषणगिरी करो। अभी तो ये कोरोना हर दिन तो नहीं आता, 100 साल में एक बार आता है ये महामारी। ये टाइम तो अपना थोड़ा क्लास उठाओ, एटलीस्ट ये टाइम तो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से आगे ऊपर उठो। मैं भी तो अपने माँ के संग रहना चाहता हूँ ना इस टाइम। मैं यहाँ क्यों कर, यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो एक लौता लड़का हूँ, तभी भी मैं कर रहा हूँ ना अपने लोगों के लिए। तो उनको भी सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए। और ये टाइम नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, ये टाइम बीजेपी, तिपरा मोथा, CPM, कांग्रेस, IPFT नहीं होना चाहिए। ये टाइम हमको लोगों के बारे सोचना चाहिए। अनदर थिंग के अभी जो आपने बोला कि एक इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है सारे जगहों पे, पूरे इंडिया में इकोनॉमिक डाउन हो, एंड हमारे यहाँ पे जो ADC एरियाज है वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब है। तो अभी TTADC के जो न्यू काउंसिल है उसके तरफ से क्या इनिशिएटिव्स होगा? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कल ही टाइम लूँगा टू मीट द चीफ मिनिस्टर हु इज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर टू गिव अस अ स्पेशल कंसोलिडेटेड फंड फॉर TTADC, हमारा हेल्थ EM जिसे है, कमल कलोय इज हियर, माई CM इज हियर। तो एक कंसोलिडेटेड फंड फॉर हेल्थ, क्योंकि हमारे अंदर भी CHCs है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, और हमारा नेटवर्क भी बहुत है अक्रॉस द स्टेट। तो बहुत जगह में हम भी हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन क्योंकि एक लेगेसी इशू है, तो यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है लेकिन लोग नहीं हैं। हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं लेकिन बिल्डिंग को देखने के लिए आदमी नहीं रखा है। हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो पलंग नहीं है, और अगर पलंग है तो एक्सरे मशीन नहीं है। तो हम ये सब के लिए चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और एक वन टाइम कंसोलिडेटेड फंड टू फाइट कोरोना हम देना चाहते हैं। ये टाइम मैं, अगर हम अपने EDC से, अगर हमने अपने तरफ से 100 लोगों को भी हेल्प किया, तो वो 100 लोग GB हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, ILS में नहीं आएंगे। हम भी रिलीफ देना चाहते हैं, हम भी थोड़ा अपने तरफ से हेल्प करना चाहते हैं। यही हम।